हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आफिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का प्रोडक्ट रिव्यू है, असल बात रिव्यू नहीं है, ये आपकी अनबॉक्सिंग एंड असेंबली है। बेबी हग का राइड ऑन, ये आपका मैंने फर्स्ट प्राइस ऑर्डर किया है और ये फर्स्ट फूड टू फ्लोर है एंड राइड ऑन दोनों है। इसमें 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है एंड 20 kg कैपेसिटी है इसकी। तो अब इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। ये आपको 2 कलर में मिल जाएगा, एक येलो एंड रेड। तो मैंने इसमें येलो कलर लिया हुआ है एंड द MRP ऑफ द प्रोडक्ट इज, मैं देख के बताती हूँ, एंड द MRP ऑफ द प्रोडक्ट इज 1975 रुपीज़। बट ये आपको 35% डिस्काउंट में मुझे मिला है 1400 समथिंग में। टू प्लस बेबी के लिए है, तो 2 साल के बच्चे जब हो जाएं तो ही आप इसे मंगाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2-in-1 फंक्शन है इसमें। यूज एज ए रॉकर एंड फूड टू फ्लोर राइड ऑन, मेड फॉर हाई क्वालिटी वर्जिन प्लास्टिक रग एंड ड्यूरेबल। तो इस तरीके से इसके फीचर्स हैं। और चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं फटाक से। तो ये देखिए, लिखा हुआ है बिल्ट इन फूड रेस, फर्म एंड इजी ग्रिप हैंडल्स एंड कंफर्टेबल स्कैडल सीट। तो येलो कलर का है जैसे कि, क्योंकि इसका जो रेड कलर था वो काफी ज्यादा रेड रेड हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं मंगाया, मैंने येलो कलर ही लिया। देख सकते हैं येलो कलर कितना खिला हुआ है। तो इसको आप बेबी हग का राइड ऑन में जाके आप सर्च कर सकते हैं फर्स्ट ट्राई में, जिसको हम लोग टिक टिक घोड़ा बोलते हैं बचपन से। कितना प्यारा येलो कलर है ये। रेड मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रेड रेड हो रहा था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो फटाक से इसे असेंबल करते हैं। ये खाली इन्होंने पोनी दिया हुआ है। अब इसके जो व्हील्स वगैरह हैं सर इसमें हैं, जो फटाक से इसको लगा लेंगे। अब बॉक्स पूरा एम्प्टी हो चुका है, इसे किनारे रखते हैं। इसमें आपको एक पेपर भी मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि इसको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। प्लास्टिक इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक दी हुई है, काफ़ी मजबूत है, हैंडल्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रिप है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, स्क्रू वगैरह भी दिया है। मैं आपको टोटल दिखा देती हूँ क्या क्या इन्होंने दिया है। ये एक पेपर आपको मिलेगा, ये 4 स्क्रू मिलेंगे, 4 इस तरीके से कुछ मिलेंगे और ये 2 व्हील्स मिलेंगे और ये 4 स्टिकर्स हैं। चलिए फटाफट इसको लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को चेक करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से इसको यहाँ पे सेट करना है और फिर स्क्रू से इसको टाइट कर देना है। तो फटाक से चलिए लगा लेते हैं इसको। ये सेट हो गया पूरा अच्छे से, ऐसे ही पीछे वाला भी सेट कर लेना है। ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको भी आपको चेक करके ही लगाना है। इससे बड़ा है तो ये तो चाहिए। ये सेट हो गया, बस अब आपको स्क्रू से इसको टाइट करना है। ये स्क्रू मैंने लिया हुआ है, स्क्रू ड्राइवर है ये, और इसको फटाक से चलिए टाइट कर लेते हैं। तो आपको स्क्रू पहले इसमें लगाना है, उसके बाद इसको टाइट कर देना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं इसको असेंबल।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा सेट हो गया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही लग गया है। तो अब हम आपको इसको बता देते हैं कि अगर आप इसको नीचे करेंगे, ऊपर करके दिखाती हूँ पहले, तो ये स्विंग हो जाएगा, ये लॉक्ड है यहाँ पे, तो ये स्विंग हो जाएगा। और अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये पुश राइड ऑन हो जाएगा, बच्चा खुद से चला सकता है। इसमें नीचे भी लॉक करने का सिस्टम बहुत अच्छा है इनका। बट बस एक माइनस पॉइंट है इसमें, जो यहाँ पे फूट रेस्ट है ये काफ़ी कम दिया हुआ है इन लोगों ने। बाकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक का है। और ये चार स्टिकर इन्होंने दिए हैं, चार स्टिकर आपको यहाँ पे लगा देना है। इस तरीके से चारों स्टिकर आप लगा दीजिए। ये इस तरीके से पूरा असेंबल हो जाएगा। और बस आपको बच्चे को देने से पहले एक बार चेक करना है कि आपने सारे स्क्रू टाइट से किए हुए हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको सारे स्क्रू एकदम अच्छे से टाइट करने हैं। तो ये रही मेरी इस प्रोडक्ट के ऊपर अनबॉक्सिंग एंड असेंबली की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।